तो आर्मी, इस बात में कोई शक नहीं है कि दुनिया के सबसे बड़े के पॉप आइडल्स BTS का क्रेज उनकी पॉपुलैरिटी मिलिट्री में जाने के बाद भी 1% कम नहीं हुई है। आज भी BTS आर्मी उनकी छोटी से छोटी अपडेट के लिए उतनी ही बेसब्री से इंतजार करते हैं जितना पहले करते थे। और इससे भी अच्छी बात कि हमें मिलिट्री में होने के बावजूद भी मिलिट्री से ही उनकी अपडेट्स मिलती रहती हैं, और ऐसी ही अपडेट BTS आर्मी को पिछले 2 दिनों से मिल रही थी BTS लीडर किम नामजून को लेकर। और अगली अपडेट जो BTS लीडर किम नामजून के लेकर अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, वो आपका दिल गार्डन गार्डन कर देगी, क्योंकि ये अपडेट छोटी मोटी नहीं बल्कि RM के पेरेंट्स यानी उनके मॉम डैड को लेकर है। हाँ, BTS आर्मी, हमारा फैंडम न सिर्फ BTS मेंबर्स को बल्कि उनसे जुड़ी हर चीज को उतना ही सपोर्ट और प्यार करते हैं। तो फैंस हमेशा से BTS मेंबर्स के पेरेंट्स को भी उतना ही प्यार करते आए हैं, और हमेशा से BTS मेंबर्स की उनके पेरेंट्स के साथ बॉन्डिंग देखने के लिए, उनकी फोटोज वीडियोज देखने के लिए तरसते हैं। और कल रात से कुछ ऐसी ही फोटोज सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रही हैं किम नामजून को लेकर, जिसमें हमें साफ साफ किम नामजून अपनी मम्मी और अपने पापा के साथ मिलिट्री में मिलते हुए दिख रहे हैं। अपनी मॉम को RM हक कर रहे हैं जैसे कोई आम बेटा करता है, जिसके बाद बहुत सारी आर्मी को लगने लगा कि नामजून शायद मिलिट्री से बाहर आ गए हैं, वैकेशन पर हैं और अपनी फैमिली के साथ उन्होंने टाइम स्पेंड किया। लेकिन आर्मी, मैं आपको बता दूं, असल में RM मिलिट्री में ही हैं और उनके पेरेंट्स RM से मिलने के लिए मिलिट्री में ही गए थे। आप लोगों को पता होगा कि 2 दिन से हमें एक के बाद एक RM की यूनिट से यानी 15th Division यूनिट से टोमेटो फेस्टिवल की बहुत सारी वीडियोज़ देखने को मिल रही थी, जहाँ RM के मिलिट्री बैंड ने परफॉर्म भी किया। और बताया जा रहा है RM के इसी फेस्टिवल को अटेंड करने, उनकी परफॉर्मेंस को देने, उन्हें चीयर करने के लिए RM के मम्मी और पापा वहां पहुंचे थे, जहां जब ये इवेंट खत्म हो गया तो RM अपने मम्मी पापा से मिले, उन्हें गले लगाया और उन्हें सी ऑफ किया। और इतने दिनों बाद नामजून और उनके पेरेंट्स का रीयूनियन देखने के बाद फैंस भी बहुत ज्यादा खुश हैं। अगर आपने जब नामजून और उनके पेरेंट्स के इस फोटो को और उनकी बॉन्डिंग को देखा, तो आपका क्या रिएक्शन था कमेंट सेक्शन में बताना।